नमस्कार, अपना हृदय चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 64 योगिनी मंदिर के विषय में। 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में पडावली के पास मितावली गांव में है। इस मंदिर को एक तसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर यह मंदिर खड़ा हुआ है। यह गोलाकार मंदिर है। भारत में गोलाकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है। यह योगिनी मंदिर जो 64 योगिनियों को समर्पित है। यह बाहरी रूप से 170 फीट की त्रिज्या के साथ आकार में गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष हैं। मंदिर की संरचना इस प्रकार है कि इस पर कई भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित है। कई जिज्ञासु लोगों का कहना है कि यह मंदिर संसद भवन के पीछे का प्रेरणा स्रोत है, मतलब कि इस मंदिर को ही देखकर ही संसद भवन का निर्माण उसी डिजाइन में किया गया है। 1323 ईसा पूर्व एक शिलालेख के अनुसार विक्रम संवत 1383 में मंदिर कच्छप के राजा देवपाल द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिषी और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। इस मंदिर का नामकरण इसके हर कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस मंदिर को प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। इस मंदिर में 64 योगिनियों को दर्शाया गया है। योगिनियों के नाम इस प्रकार है: बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्रूफा, चर्चिका, वेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला, कामनी, घटवार, काराकाली, सरस्वती, विरूपा, कवेरी, भलुका, नारसिंगी, बिरजा, विंगतानाम, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, महारथी, करकरी, सपरसिया, याक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटावरी, अतुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, बम्बनी, ज्वालामुखी, अग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, आदिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और 64 नाम भद्रकाली है। इस मंदिर को सभी देवियों को दर्शाया गया है। इस समय मंदिर में बहुत सी मूर्तियों को तमाम आक्रमणकारी लोग आए, समय समय पर इसको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खुश रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, प्रसन्न रहें।